तभी पिछले दिनों पत्नी नाराज हो गई, वो मायके चली गई, मेरे से कहने लगी अब लेने। जब समझौता हुआ मोबाइल पे, जो संवाद हुआ, मैंने प्रतिगीत देखा, बहुत बढ़िया प्रतिगीत है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो मोबाइल पे जो संवाद हुआ, हालांकि हम दो ही पति पत्नी में 8 साल से बोलचाल बंद है, लेकिन 5 साल का एक लड़का है। वो कहने लगी कि आप लेने आओ, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, बोले फिर मैं नहीं आ रही हूँ। अब जो प्रतिगीत बना सुनिएगा, आनंद लेना। क्या कहती है कि रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, मैं पप्पू संग भाग जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अच्छा ये उधर ही है, अपनी भी गई क्या? वाह यार, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साड़ू ही खड़े हैं उधर। बैठ जाओ, तुमको भी भगवान ने बैठने के लिए कुछ अच्छा सिस्टम दिया ही है, उसको जमीन पे टिकाइए। कि रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, मैं पप्पू संग भाग जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू पप्पू के संग जाएगी, मैं पप्पू की ले आऊंगा। दोनों बहनें सेल्फी ले रही हैं, बहुत दिन में मिली, एक को उत्तर प्रदेश ब्याही, एक को इंदौर ब्याही। तू पप्पू के संग जाएगी, मैं पप्पू की ले आऊंगा। तू दूल्हा उसे बनाएगी, मैं दुल्हन उसे बनाऊंगा। ना तुम लाओ ना मैं जाऊं, दोनों मिलजुल के रहियो। मैं ट्रेन में बैठ के आती हूँ, तुम लेने मत आइयो। ये स्थिति अच्छा साहब, पिछले दिनों आदरणीय डॉक्टर साहब हैं सत्तन जी के साथ में आए हैं, आपके नगर के हैं, गौरव हैं साहब, तो हमारे पड़ोस में भी एक डॉक्टर साहब रहने के लिए आ गए। तो मेरी पत्नी कहने लगी, बोले अपने डॉक्टर साहब से थोड़ा मेल जोल बढ़ाओ, कभी काम आएंगे। मिनकी ये वो डॉक्टर साहब नहीं है, तो पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मिनकी ये अपने आखिरी दिन में ही काम आएंगे। तो अभी क्या हुआ साहब, अभी मैं बाजार में सब्जी लेने गया, पत्नी ने कहा कि जाओ बाजार में सब्जी ले, आप भी जाते होंगे। तो वो ठेले वाला ठेले लगा करके बैठे रहते हैं, तो मैं गया, वो सब्जी पे पानी छिटक रहा 2.5 मिनट। आदरणी मैंने वो दृश्य देखा, फिर उससे कहा कि ये होश में आ गई हो तो आधा आधा किलो तोल दे। जब उसने अपनी बात रखी, अपन ने प्रतिकीत लिखा, मैं निवेदन करता हूँ कि बिका नहीं है एक भी आलू, बिका नहीं है प्याज, अरे जितना पैसा लगाया इसमें मिला न उसका ब्याज। कि छोरा सब्जी बेचन वाला, कि छोरा सब्जी बेचन वाला, रे बेचे बैंगन काला काला, रे छोरा सब्जी बेचन वाला, रे बेचे बैंगन काला काला। इसकी मती गई थी मार, जो खोली सब्जी की दुकान, कि छोरा सब्जी बेचन वाला, सुखी भिंडी बिचारी रे गई गिलखी कुंवारी, सूखी भिंडी बिचारी रे गई गिलखी कुंवारी। नींबू अदरक धनिया मिर्ची सब रो रहे बेचारे, आधे वेंटिलेटर में आधे अल्लाह को प्यारे। मेथी पालक भी पड़े बेहाल, की छोरा सब्जी बेचन वाला, रे बेचे बैंगन काला काला। बोलिए श्री सत्यनारायण। अच्छा बड़ी भाई साहब, माइक आपका बहुत अच्छा है, और समस्त पार्षदगण, अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद महोदय और मंडल अध्यक्ष जी, सभी को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूँ। भाई साहब माइक आपका बहुत अच्छा है। आज भूल गए भैया, तूने प्रणाम किया सबसे, मंडल अध्यक्ष तक अपने प्रणाम को किया, अरे बूथ वाले को भूल गया है तू।
उसको प्रणाम जरूर कर, आगे वही काम आए। सभी को प्रणाम करता हूँ, गुरुवर को विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माइक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ऐसा ही रहने देना ताकि आप अपन दोनों के बाल बच्चे पल जाएंगे। आदरणीय, मैंने अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में माइक वाले भाई साहब से कह दिया, मैंने कहा थोड़ा इको बढ़ा दे, वो बोले किको बढ़ाऊ, मैंने कहा मेरा ही बढ़ा दे। अच्छा, माइक का इको वगैरह सेट कराने का कारण ये है कि मैं गाऊंगा, और जब मैं गाऊंगा तो आपको लगेगा कि लता मंगेशकर गा रहा है। सांसद जी, लता मंगेशकर ने 50,000 गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है, बंदे ने एक ही गाने को 50,000 बार गाया है। और आप सब लोगों ने मुझे बुलाया है, और मैं निवेदन करता हूँ कि जो गौरव ने जितनी लंबी कविता पढ़ी, मैं उतनी लंबी कविता आप नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में मैंने 25 मिनट की एक कविता पढ़ दी, 50 आदमी बीमार हो गए, पुलिस ने पकड़ के थाने में बंद कर दिया, सवेरे अदालत में पेश किया, जज साहब बोले तुम्हारी कविता के कारण 50 आदमी बीमार हो गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मैंने कहा महोदय, आपका न्याय एकदम सच्चा है, और वही कविता आपको सुनाने की इच्छा है। आइए, निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे नगर परिषद ने मुझे बुलाया है, तो कुछ किराए भाड़े की व्यवस्था भी जमा देना, सवेरे मुझे जाना है, वहीं से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। आपका आशीष मिले, मन चाहे फीस मिले, समस्याएं एक नहीं चार लेके आया हूँ। और पेमेंट में थोड़ा मेरा ध्यान रख लेना आप, किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ, किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ। तालियां आपने बहुत जोर बजाई, 5-15 मेरी पीढ़ी जो है वो आपकी आभारी हो गई साहब। नहीं, मैं निवेदन करता हूँ। अच्छा साहब, क्या हुआ, अभी मैंने जैसे ही आपके नगर में प्रवेश किया, कुछ बच्चे मुझे गाय भैंस चराते हुए मिले। मैंने एक लड़के से पूछ लिया, तेरी भैंस दूध देती है? बोले नहीं अंकल जी, निकालना पड़ता है। मैंने कहा माचलपुर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है साहब। आदरणीय, दूसरे से कहा, मैंने कहा बेटा तुम दिन भर गाय भैंस चराते हो, सुबह शाम एक एक गिलास भैंस का दूध पी लिया करो, ये इस ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। लड़का बोला अंकल जी, यदि भैंस का दूध पीने से कोई बड़ा आदमी बनता तो इसका पाड़ा अपने जिले का कलेक्टर होता। करे तो करे क्या, मैंने तो मेरे बेटे से कह दिया, मैंने कहा बेटा तूने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा सर ऊंचा हो जाए? बोले हाँ पापा, कल सवेरे ही तो आपके सर के नीचे दो तकिए फंसाए थे। अजीब स्थिति है साहब, हम सुधारने की बात करें, बच्चे सुधरने को तैयार नहीं होते हैं। आइए मैं कुछ प्रतिगीत निवेदन करता हूँ। ये माइक टिक नहीं रहा, इसको टिकाओ यार, ये घड़ी घड़ी मेरी छाती पे आ रहा है। बहुत बढ़िया वीडियोग्राफी आपकी, बहुत बढ़िया है साहब, बहुत धन्यवाद आपको। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, और तुम्हारे लक्षण देख करके तो लग रहा है कि पूरे मोहल्ले में ही जुगाड़ जमाए बैठे हो। आइए निवेदन करता हूँ, प्रतिगीत सुनाता हूँ। कि मुझसा कोई चालू कोई बदमाश नहीं है। अच्छा, मुझसा कोई चालू कोई बदमाश नहीं है, क्या चीज हूं मैं तुमको ये विश्वास नहीं है। सो मूर्ख मरे पैदा हुआ मैं इस धरा पर, सो मूर्ख मरे पैदा हुआ मैं इस धरा पर, अब काट रहा जीवन में पशु चरा कर। मुंबई गया तो मैंने केटरी न पटाई, सरहद गया आतंकियों को धूल चटाई,
हाँ धूल चटाई, हाँ धूल चटाई, बीबी है मेरी चार मगर खास नहीं है, क्या चीज हूँ मैं तुमको ये विश्वास नहीं है। अच्छा बीबी से याद आया, वो ईंट रख गया अभी, पत्थर नहीं, ईंट नहीं। वो कवि सम्मेलन में ऐसा होता है, कवि अगर लंबा हो तो माइक के नीचे ईंट वीट फंसा दो, और माइक कवि अगर छोटा हो तो उसके नीचे दो ईंट फंसा दो, तो बैलेंस बन जाता है। अच्छा बीबी से मुझे याद आया, अभी मेरी ससुराल है उज्जैन में, हालांकि मैं पता किसी को नहीं बताता। अभी पिछले दिनों क्या हुआ साहब, मैं लगातार कवि सम्मेलन थे तो मैं 6-7 दिन तक वहीं रुका। मेरी सासू माँ ने मुझे 6 दिन तक मेथी की सब्जी बना के खिलाई, और 7वें दिन बोली, बोले जमाई साहब आपकी पसंद की कोई सब्जी हो तो बताओ। मैंने कहा आप तो मेथी का खेत बता दो, मैं वहीं जाके चल रहा हूँ।